किताबें पढ़ना हमेशा से अच्छा माना जाता है, जिससे इंसान की बुद्धि और समझ में बढ़ोतरी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी किताब यानी ग्रंथ के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पढ़ने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस किताब को नीलावंती ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक श्रापित किताब है। इसी वजह से नीलावंती ग्रंथ को भारत में बैन किया गया है। लेकिन इस किताब के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो इंसानों को अमीर और बेहद बुद्धिमान बना देती हैं। तो आइए जानते हैं इस ग्रंथ से जुड़ी रहस्यमयी कहानी। क्या है नीलावंती ग्रंथ? यहाँ हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और ना ही इसका संबंध किसी विशेष धर्म से है, बल्कि ये एक रहस्यमयी किताब है जिसके नाम के आगे ग्रंथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ में पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों और सदियों से जमीन पर खड़ी इमारतों से बातचीत करने के तरीके लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़ने वाले व्यक्ति को अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान की मदद से वो व्यक्ति सदियों पुरानी जगहों पर छिपे या जमीन के अंदर गाड़े गए खजाने को प्राप्त कर सकता है, जिसकी वजह से वो अमीर बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही नीलावंती ग्रंथ के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अगर कोई इंसान इस किताब को आधा अधूरा पढ़ता है तो उसकी मौत होना तय है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस नीलावंती ग्रंथ की कहानी कब और कैसे शुरू हुई थी, जिसे आज भारत में पढ़े जाने से बैन कर दिया गया है। प्राचीन कथाओं की माने तो आज से 150 से 200 साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक किसान के घर एक लड़की का जन्म हुआ था, जिसका नाम नीलावंती रखा गया था। नीलावंती अपने भाई बहनों और दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी, जो गुड्डे गुड़िया से खेलने के बजाय चींटियों, गिलहरी और सांप से खेला करती थी। ऐसा लगता था कि नीलावंती इन बेजुबान जानवरों के साथ बातचीत कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती उम्र के साथ नीलावंती पेड़ पौधों के पास बैठकर उनसे बातचीत करने लगी थी। इससे नीलावंती और प्रकृति के बीच एक तरह का गहरा संबंध बन गया था, जिसके बाद नीलावंती रात के समय जंगल में जाकर जानवरों और पेड़ पौधों से बातचीत करने लगी थी। नीलावंती की ऐसी हरकतें देखकर गांव वाले उसे चुड़ैल मानने लगे थे, जिसकी वजह से उसके पिता को दिक्कत होने लगी थी और उन्होंने अपनी बेटी के साथ जंगल में रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। नीलावंती के पिता जंगल के एक छोटे से हिस्से में खेती करते थे, जबकि नीलावंती पूरा दिन पक्षियों और पेड़ पौधों से बातचीत करके जमीन में दफन खजाने की तलाश करती थी। इस तरह नीलावंती और उसके पिता कुछ ही समय में अमीर हो गए, जबकि उनके पास हर तरह की जरूरत की चीजें थी। दरअसल पशु पक्षी अपने आसपास होने वाली घटनाओं को आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अपनी जुबान से उसके रहस्य इंसानों को नहीं बता सकते हैं। नीलावंती के पास वो शक्तियां थीं जिससे वो जानवरों से बात करके उन छिपे हुए खजाने और धन को प्राप्त कर लेती थी। इस दौरान एक व्यापारी जंगल से गुजर रहा था जिसके पास धन संपत्ति थी। वहीं रास्ते में कुछ डाकुओं ने व्यापारी को घेर लिया और उस पर हमला करने लगे, जिनसे बचने के लिए व्यापारी जंगल की तरफ भागा और पेड़ के पास जाकर बेहोश हो गया था। तभी नीलावंती जंगल में पहुंची और उसने बेहोश व्यापारी की मलहम पट्टी की, जिसके कुछ समय बाद व्यापारी को होश आया और नीलावंती उसे अपने घर ले गई। नीलावंती ने जख्मी व्यापारी को खाना खिलाया और उसे आराम करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी नीलावंती के सौंदर्य और रूप से बहुत ज्यादा मोहित हो गया था। व्यापारी ने नीलावंती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद नीलावंती ने व्यापारी के सामने एक शर्त रखी थी। उस शर्त के मुताबिक नीलावंती ने व्यापारी से कहा कि वो हर रात जंगल में आएगी, लेकिन व्यापारी कभी भी उससे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। व्यापारी को नीलावंती की शर्त मंजूर थी, लिहाजा उन दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद व्यापारी नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चला गया था। नीलावंती दिन के समय अपने पति के साथ घर में रहती थी, जबकि रात के समय गांव के पास मौजूद जंगल में चली जाती थी। इतने सालों में नीलावंती को ये एहसास हो चुका था कि उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो किसी भी सामान्य इंसान के पास नहीं है। नीलावंती ने उन शक्तियों को संग्रहित करने का फैसला किया ताकि भविष्य में कोई दूसरा इंसान उन शक्तियों का लाभ उठा सके। इसके लिए नीलावंती ने पेड़ों की बड़ी पत्तियों पर अपनी शक्तियों का उल्लेख करना शुरू कर दिया था, जिसमें पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, भूत प्रेत और निर्जीव वस्तुओं से बात करने के लिए मंत्र लिखे हुए थे।
एक तरफ नीलावंती अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके रोज रात को जंगल की तरफ जाने की वजह से गांव वालों को नीलावंती पर शक हो रहा था। इस दौरान गांव में बच्चे चोरी होने की घटनाएं हो रही थी। गांव वालों को शक था कि नीलावंती उन बच्चों को उठाकर जंगल में ले जाती है और फिर काले जादू के साथ बच्चों की बलि देती है। गांव वालों ने नीलावंती का पीछा करना शुरू किया, लेकिन जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद नीलावंती अचानक से गायब हो जाती थी। इस दौरान नीलावंती को जंगल में एक पिशाच मिला था, जिसने उसे ये बताया कि नीलावंती एक यक्षिणी यानी प्रकृति से जुड़ी आत्मा है। पिशाच ने बताया कि नीलावंती एक सामान्य औरत नहीं है और उसकी आत्मा एक इंसानी शरीर में कैद है, जिससे मुक्ति पाने के लिए उसे जानवरों की बलि देते हुए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत नदी में एक लाश तैर कर आने वाली थी, जिसकी कलाई में एक ताबीज बंधा था। नीलावंती को वो ताबीज खोलना था, जिसके बाद उसे नदी में एक नाव दिखाई देती और उसे उस नाव में बैठकर अपनी दुनिया में जाना था। नीलावंती ने पिशाच की बात मान ली और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगली रात जंगल में गई, जहां उसने पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ जानवरों की बलि दे दी। वहीं नीलावंती का पीछा करने वाले गांव वाले भी दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे, क्योंकि वो नीलावंती को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इस दौरान नीलावंती नदी के पास गई और उस तैरती हुई लाश के हाथ से ताबीज खोलने लगी। जबकि दूर से ये सब देख रहे गांव वालों को लगा कि नीलावंती ने किसी इंसान की हत्या कर दी है। नीलावंती ने जैसे ही ताबीज खोली, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर डायन होने, बच्चा चोरी करने और उनकी बलि देने का आरोप लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ नीलावंती को लेने के लिए पानी में नाव तैरती हुई आगे आ रही थी, जिसमें नीलावंती को किसी भी कीमत पर बैठना था। नीलावंती ने गांव वालों को धक्का दिया और जंगल में दूसरी तरफ भाग गई, जिसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छिप गई थी। इस दौरान नीलावंती का पति उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें उस नाव में बैठने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी शक्तियों वाली किताब दे दोगी। नीलावंती ये बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो नाव उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नजर नहीं आ रही थी। इतने में नीलावंती का पति अपने असल रूप में आया, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। उसने जानबूझकर नीलावंती से शादी की थी, क्योंकि उसने नीलावंती को जंगल में पेड़ पौधों और जानवरों से बातचीत करते हुए देखा था और वो राक्षस नीलावंती की शक्तियों को हथियाना चाहता था। नीलावंती को अपनी दुनिया में लौटना था, क्योंकि धरती में रहने पर गांव वाले उसे मौत के घाट उतार देते। नीलावंती ने मजबूर होकर अपने पति को वो किताब थमा दी थी और साथ में ये श्राप दिया था कि इस किताब को अधूरा पढ़ने वाला इंसान पागल हो जाएगा और किताब को पूरा पढ़ने वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसके बाद नीलावंती भागते हुए नदी के पास गई और नाव को ताबीज दिखाया, जिसके बाद वो नाव में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली गई। वहीं नीलावंती का पति उस किताब को पाकर बहुत ज्यादा खुश था, जिसने उस किताब के पहले कुछ पन्ने पढ़े थे, लेकिन बाकी के पन्नों को वो सही से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसे मंत्र समझ नहीं आ रहे थे। जब नीलावंती के पति ने किताब को अधूरा पढ़कर छोड़ दिया, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और धीरे धीरे वो पागल हो गया। नीलावंती का पति पागल होकर जंगल में भटकने लगा था, जिसके हाथ में वो किताब थी। एक दिन शिकारियों का दल जंगल से गुजर रहा था, तभी नीलावंती के पति ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए शिकारियों ने नीलावंती के पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके पास मौजूद किताब को लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान किताब में लिखी भाषा को समझ नहीं पाया था। वो किताब एक के बाद एक कई हाथों से होकर गुजरी, जो आखिर में एक मंदिर के पुजारी के पास गई थी। मंदिर के पुजारी नीलावंती द्वारा लिखी हुई भाषा को समझते थे, लिहाजा उन्होंने पत्तों पर लिखी जानकारी को कागज के पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया था। इस तरह इस किताब को नीलावंती ग्रंथ का नाम दिया गया था, क्योंकि वो अब एक किताब के रूप में विकसित हो चुकी थी और उसे ट्रांसलेट करने का काम पुजारी द्वारा किया गया था। इस किताब के अस्तित्व में आने के बाद विभिन्न राजा महाराजाओं और सामान्य लोगों ने नीलावंती ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन किताब को अधूरा पढ़ने वाले लोग पागल हो जाते थे, जबकि उसे पूरा पढ़ने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती थी। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के पीछे भी नीलावंती ग्रंथ को माना जाता है, जो विभिन्न किताबों की भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते थे। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद नीलावंती ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया था और इस दौरान रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात पर कई लोग यकीन करते हैं,
तो वहीं कुछ लोग नीलावंती ग्रंथ की सच्चाई को मानने से नकार देते हैं। नीलावंती ग्रंथ को आसान भाषा में उपलब्ध करवाए जाने के बाद कई लोगों की मौत होने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने इस किताब को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में नीलावंती ग्रंथ की कॉपियां हैं जो कभी कभार सामान्य लोगों के हाथ लग जाती हैं और इस किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति का दुखद अंत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नीलावंती आज भी इस धरती पर है जो उस रात नाव में नहीं चढ़ पाई थी। नीलावंती भारत के जंगलों में भटकते हुए लालची लोगों को मौत के घाट उतार देती है जो सोने या खजाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। वहीं अगर कोई इंसान नीलावंती ग्रंथ को बिना किसी लालच के पूरा पढ़ता है तो उसे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो देखते ही देखते अमीर बन जाता है। लेकिन अब तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना किसी लालच के नीलावंती ग्रंथ को पूरा पढ़ पाया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नीलावंती ग्रंथ से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसके बारे में ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है, नीलावंती ग्रंथ सच में जादुई है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।